लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था, वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है, सबके मन में ये इच्छा है कि वो पत्रकार भवन बने। वो पत्रकार भवन बने लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके, तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का वहाँ दर्जा देंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से उसको उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27% 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त, वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। कई बार बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को, भगवान ना करे, वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं, और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1,00,000 रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई ज़रूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले, भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को,
8 लाख रुपए की सहायता की राशि एकमुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एकमुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा। एक बात और मेरे मन में है, पिछले दिनों भोपाल में हमने 2 पत्रकार कॉलोनी बनाई, उनके लिए जमीन आवंटित की थी। मैं जहाँ जाता हूँ जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि एक पत्रकारों के लिए कहीं जमीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण कुछ कठिनाइयाँ बीच में आई है, लेकिन हम रास्ता निकाल कर जहाँ ऐसी हमारी सोसाइटी है उनको, पत्रकारों को, सोसाइटी को जमीन देने की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लीगल जो भी रास्ता होगा वो निकाल के, ताकि भोपाल जैसी बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके। और एक बात और मैं कह दूं अंत में, फिर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करेंगे, मिलेंगे, कि इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और अभी मैं अनौपचारिक चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तो मंच की और नीचे की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, हम एक ही स्तर पर रहें, इसलिए मैं सीधे आपके बीच आ रहा हूं। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के लाने प्रदेश में बड़े ऐलान करे हैं। इनमें राजधानी के पत्रकार भवन की भूमि पर नए भवन को निर्माण, प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पत्रकारों को सोसाइटी की भूमि प्रदान करने की कार्रवाई, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि में वृद्धि को रोकवो, 65 साल से ऊपर के वरिष्ठ पत्रकारों के बीमा की राशि राज्य सरकार द्वारा भरवे, पत्रकारों को अस्वस्थ हुए पे आर्थिक सहायता को प्रावधान 20,000 के स्थान पर 40,000, गंभीर बीमारी में 1,00,000, वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को मासिक सम्मान निधि की राशि 10,000 के स्थान पर 20,000 रुपया करने को ऐलान करे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐलान करे और सीधे तौर पर जा कही के प्रदेश में पत्रकारों के हितों को भी सुरक्षित रखे जाए और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी समिति गठित करके प्राप्त सुझावों पर राज्य शासन द्वारा अमल करे जाए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर
एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचें, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।